हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आर इंग्लिश वर्कशीट 9 फॉर क्लास 10th, शेड्यूल्ड टू बी डन ऑन 25th July 2020. सी द पिक्चर गिवन टू अस. यस, दे आर एंजॉयिंग इन रेन. जी देखिए, ये दो दोस्त कैसे एक बड़े से पत्ते के नीचे अपने आप को बारिश से बचाते हुए और उसका मजा लेते हुए भी स्कूल से घर जा रहे हैं. अब देखते हैं आखिर हमें आज करना क्या है इस वर्कशीट में. लुक एट दीज टू फ्रेंड्स, दे लुक सो हैप्पी इन द रेन. इट इज़ नाइस टू सी देम शेयरिंग अ बिग लीफ एज अ कवर अगेंस्ट रेन. टू हैव फ्रेंड्स इन लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग एंड बॉन्ड्स हेल्प अस टू फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. रिलेशनशिप्स आर always build on strong foundations. Yes, we should understand it. Relationships are always built on strong foundations. One of them is sharing. Taking help from the given content, write a paragraph on the topic. Sharing is caring. तो हमें क्या करना है, हमें देखिए जैसे ये दो दोस्त एक साथ बारिश में कितने खुश हैं. इट इज़ नाइस टू सी देम शेयरिंग अ बिग लीफ एज अ कवर. और कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर कि एक बड़े पत्ते को यूज़ करके वो बच्चे किस तरह से एक दूसरे को बचाते हुए आगे इंजॉय करते हुए उस रेन को इंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रख रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने लीव को. टू हैव फ्रेंड्स इन लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग. जी हाँ, जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे लिए क्या है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे लिए. और जो बॉन्ड्स हैं, वो जो हमारे रिश्ते उनके साथ बनते हैं, वो रिश्ते क्या हैं, वो हमें हर तरह की मुसीबत परेशानी उससे सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं. अब आप देखिए, अभी बारिश है लेकिन कभी मेरा काम नहीं पूरा हुआ तो कौन हेल्प कर रहा है. तभी हम सबसे पहले अपने फ्रेंड को बोलते हैं, ब्लेसिंग्स, दे आर लाइक ब्लेसिंग्स इन आर लाइफ एंड हेल्प अस टू फाइट ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, तो सबसे पहले हमें हमारे दोस्त की ही याद आती है. रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो बेटा, जो भी रिश्ते होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होती हैं, उनमें से ही कौन सी है, जैसे शेयरिंग. आपका फ्रेंड आपके साथ शेयर करता है, आपकी हर प्रॉब्लम में आपका साथ देता है, तभी वो बेस्ट फ्रेंड बनता है. फ्रेंड्स तो सभी होते हैं जो क्लासमेट्स हैं, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड्स की कैटेगरी में आ जाता है. अब देखिए हमें करना क्या है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन कंटेंट. जो कंटेंट आपको दिया गया है उस कंटेंट में से हेल्प लेते हुए आपको राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक शेयरिंग इज केयरिंग. हमें एक पैराग्राफ लिखना है, ये राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस के लिए है. और उसमें शेयरिंग इज केयरिंग हमारा टॉपिक है. आई एम शेयरिंग अ फ्यू कोटेशंस विच यू माइट लाइक टू यूज़. तो हमें ये कोटेशंस दी गई हैं, इन कोटेशंस का यूज़ करते हुए हम पैराग्राफ लिखेंगे. जैसे ऊपर ये कुछ लाइन्स भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट कोटेशन इज, द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस इज टू शेयर इट विद अदर्स. तो पहला, सबसे पहला तरीका अपनी खुशी को मल्टीप्लाई, क्या हुआ, गुणा करना, दो दो से चार, चार से छः, आगे आगे आगे, उतना आगे कैसे बढ़ेगी, जब आप उसे शेयर करेंगे. अपनी खुशियों को बांटने से खुशी और बढ़ जाती है, आपने सुना है. और गुड फूड इज ऑल द स्वीटर वेन शेयर्ड विद गुड फ्रेंड्स. आपकी मम्मी कितनी अच्छी अच्छी डिशेज देती हैं, वो डिश घर में खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप स्कूल लेके जाते हैं और वही डिश आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं और वो भी तारीफ़ करते हैं आपकी, आपको मिलता थोड़ा सा है, लेकिन जब वो डिश आप शेयर करके खाते हैं तो वो जो तारीफ़ वो करते हैं उससे वो मज़ा और भी अच्छा हो जाता है और वो फूड और भी ज़्यादा स्वीट, और भी ज़्यादा मज़े आते हैं उस खाने को खाने में. राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स सजेस्टेड रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट 100 ड्रेसेस. यस, तो अब आप देखिए कि आपका जो 100 ड्रेसेस है चैप्टर, आपको टेक्स्ट बुक्स में से वही चैप्टर अपने पढ़ना है टेक्स्ट बुक का, और उसमें से भी कंटेंट लेके आप इसमें डाल सकते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए एक ये पैराग्राफ लिख दिया है जो इस वर्कशीट में आपकी हेल्प करेगा। टॉपिक इज शेयरिंग इज केयरिंग। और सबसे पहले हमने, जैसा कि कोटेशन हमें दी गई थी, हमने सबसे पहले कोटेशन का ही यूज़ किया है, द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस इज टू शेयर इट विद अदर्स। तो शेयर करना यानी कि आप किसी की केयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात ही यही है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं यानी कि आप उनकी केयर करते हैं, तभी आप अपनी चीज़ें उनको दे रहे हैं। जैसे ये पिक्चर में भी देखिए कि अपने टॉयस को शेयर करके उसे खुशी मिलती है कि आप मेरा टॉय यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चे आपके सामने एक दूसरी पिक्चर मैंने दी है जो शेयरिंग इज केयरिंग को ही डिपिक्ट कर रही है। द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली एंड पीसफुली इज केयरिंग अदर्स एंड शेयर वंस बिलोंगिंग्स विद अदर्स विदाउट एनी हेजिटेशन एंड वरी। तो सबसे बड़ा, जो ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा, सबसे खुश रहने वाला, सबसे शांतिपूर्ण, सबका ध्यान रखने वाला कौन सा तरीका है? जब हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, और हमें उसे बांटते हुए, उसे शेयर करते हुए या मिलकर यूज़ करते हुए कभी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी, कोई वरी नहीं होना चाहिए। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, तभी एक्चुअली वो शेयरिंग एंड केयरिंग है। केयरिंग इन्वॉल्व्स लव, पैशन एंड काइंडनेस फॉर अदर्स। अगर आप किसी से अच्छे से, दूसरे को भी एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा, उससे प्यार से बात करते हैं, उसे प्यार है आपको, आप दयालु हैं, तभी आप केयर करेंगे किसी की, और तभी आप किसी से शेयर भी करेंगे। वन कैन शेयर ओनली, देखिए कभी भी कोई शेयर कब करेगा, हिज आर्टिकल्स एंड थिंग्स, कभी भी अपनी चीज़ें, कोई शेयर, कोई भी चीज़ तब देगा इफ़ समवन फाइंड्स अदर लवेबल, उसे वो प्यारा लगेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे संबंध और भी अच्छे हो जाते हैं, प्यार की भावना आगे बढ़ती है। द आइटम्स एंड बिलोंगिंग्स आर शेयर्ड विद अदर विच आर नॉट अवेलेबल टू हिम हर गिव्स अ ग्रेट फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और ज़रूरत के टाइम पे आप शीट्स ले जाना भूल गए, आपकी मैम कुछ करवा रही है, प्रोजेक्ट करा रही है, बोला था कि मैप लेकर आओ लेकिन आप नहीं लाए, बाय चांस भूल गए, तो अब आपने सुबह अपनी फ्रेंड से मांगा, उसके पास एक एक्स्ट्रा था, बाय द चांस आपको वहाँ से मिल गया, तो कितनी बड़ी आपको अचीवमेंट फील होती है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो लगता है कि थैंक गॉड कि आज मेरा ये काम हो गया, मेरी फ्रेंड एक एक्स्ट्रा लाई थी तो मेरे को डांट नहीं पड़ेगी और मैं अपना काम भी टाइम पर कर सकूँगी। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है, आपकी फ्रेंड को भी एक सेटिस्फेक्शन हुई कि मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अपनी फ्रेंड की कोई मदद कर सकी, यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सो शेयरिंग इज ओनली डन इफ समवन हैज़ अ लव फॉर अदर्स, इन अदर वे ही विल केयर ओनली इफ देयर इज सम रूम इन हिज और हर हार्ट फॉर दैट पर्सन। सो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट दैट वी कैन शेयर द थिंग्स इफ वी हैव लव फॉर अदर्स। वंस वी आर अफेक्टेड विद अदर्स वी विल रेडिली शेयर आर स्टफ टू अदर्स। तो यही कहा गया है कि अगर आप सच में, आपके मन में अगर दूसरे के प्रति अच्छी भावना है, तभी आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और आप तभी करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो शेयरिंग है, जो शेयर करने की भावना है, बांट के इस्तेमाल करने की भावना, बांट के खाने की भावना क्या लाती है हमारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो लाइफ है उसमें शेयरिंग हमें क्या दे रही है, क्या चीज़ें हम लोग उससे प्राप्त कर रहे हैं। शेयरिंग ब्रिंग्स लव, केयर, पैशन, टॉलरेंस, इंटरडिपेंडेंस, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एक आभार है, हार्मनी नॉट ओनली अमंग द फैमिलीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिलीज, जो फैमिली शेयर कर रही हैं, जो फ्रेंड्स शेयर कर रही हैं उनके बीच में है। देखिए कभी भी शेयरिंग और एक अच्छा रिलेशन दो के बीच में शुरू होता है, दो से सभी क्लासमेट्स के बीच में होता है, और क्लासमेट से पूरे स्कूल का ही एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है, और स्कूल से सोसाइटी का और कंट्री का। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। वी फाइंड अ पर्सन, अ सोसाइटी, अ कंट्री मोर लवेबल एंड फ्रेंडली इफ इट शेयर्स हिज थिंग्स एंड हेल्प्स अस इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। अब आप देखिए, एक पर्सन, एक सोसाइटी, एक कंट्री को कब अच्छा माना गया, जब हम किसी भी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी हमने देखा COVID-19 के उसमें भी हमारा क्या था, अमेरिका ने मोदी जी से मांगी मेडिसिन, और मेडिसिन मांगने पर जब हमने यहाँ से मेडिसिन
सेंड की, तो उसके बाद उनका भी हमसे, हमारा जो भारत से रिलेशन है अमेरिका का, और भी अच्छा हो गया। और आज अगर हमें किसी भी वजह से, किसी कारण कोई युद्ध या ऐसी कोई परेशानी आई, तो सबसे पहले हमारे पास कौन होगा? यस, सबसे पहले अमेरिका हमारा साथ देगा, क्योंकि हमने भी परेशानी के समय, जब भी कोई आपका दोस्त आपकी मुसीबत में मदद करता है ना, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले ये कहते हैं नहीं, मैंने भी इसकी मदद करनी है। तो ये फीलिंग्स बोथ साइड्स होती है, सिंगल साइड नहीं होती है। और इसी तरह से ही दिस मैनर ऑफ शेयरिंग केयरिंग, तो यहाँ देखिए, दिस मैनर ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग फ्लरिशेज डेवलपमेंट अमंग हम सब में मासेस, इज अ ग्रेट कॉज ऑफ इनर पीस। यस, इनर पीस, हमारे मन में जो शांति, इन द माइंड्स, हमारे दिमाग में, और हार्ट्स ऑफ ऑल, और हम सब के मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वो एक शांति और वो प्यार जो होता है, उसका ही एक जो स्रोत है, कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट इज टू शेयर, शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड आई रिपीट, द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस इज टू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेंट। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट। बेटा, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए, और आप अपनी पढ़ाई रेगुलरली, टाइमली करें, और उसको प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। Have a nice day.